तो देखिए, अब हिरासत में है संजय राउत। ईडी के अधिकारियों ने संजय राउत को हिरासत में लिया है। आज सुबह 7 बजे ईडी के अधिकारी संजय राउत के घर पहुंचे थे और लगातार छानबीन की जा रही थी। भांडुप, दादर और गोरेगांव, तीन अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही थी। पत्रा चौल घोटाला मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा डेवलपमेंट है, जिसमें संजय राउत को हिरासत में ले लिया गया है। ईडी के अधिकारी अब यहां से लेकर उनके आवास से निकले हैं संजय राउत को लेकर, और अब पहुंचेंगे ईडी हेडक्वार्टर। बड़ी खबर है इस वक्त की, और ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब वो अपना मफलर लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भगवा मफलर जिसको लेकर वो अपने समर्थकों को कहीं ना कहीं उनमें एक जोश भरने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है, ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि शुरुआत से संजय राउत बस यही कह रहे हैं कि उन्हें जितना भी परेशान करने की कोशिश कर ली जाए, वो पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे, पार्टी टूटने नहीं देंगे और हमेशा अपनी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। तो पत्रा चौल घोटाला मामले में इस वक्त संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें देखिए आप जरा, ये तस्वीरें गाड़ी के अंदर की तस्वीरें हैं, किस तरह से संजय राउत समर्थकों को अपनी ताकत का एहसास कराते हुए, उन्हें अपनी ताकत बताते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना भी परेशान कर ले, हम परेशान होने वाले नहीं है। क्योंकि देखिए, वहां पर समर्थकों का जुटना सुबह से ही शुरू हो गया था, समर्थक हंगामा भी कर रहे थे, नारेबाजी भी की जा रही है। इस वक्त एबीपी न्यूज पर है आपके सामने, जिस तरह से संजय राउत यहां से निकल रहे हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं ये दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं समर्थकों के बीच की उनका प्यार उनके साथ है, शिवसेना के साथ वो मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। देखिए, दोनों बाहों को ऊपर उठाकर और हिरासत में लिए गए संजय राउत, लेकिन यहां से वो जिस तरह से निकल रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लिए कितनी मशक्कत उन्हें करनी पड़ रही है, क्योंकि उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में शिव सैनिक पहले ही जुट गए थे। हंगामे की भी तस्वीरें आ रही थी, बताया जा रहा था कि उन्होंने हंगामा भी किया, वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। और यही पुलिस अधिकारियों के लिए भी एक चुनौती थी कि इन तमाम समर्थकों के बीच से निकालकर संजय राउत को कैसे ले जाया जाएगा। और ये तस्वीरें फिलहाल उनके घर के बाहर की है, और यहां से उनको लेकर जाया जाएगा ईडी हेडक्वार्टर। लगभग 1 से 1.5 घंटा यहां से लगेगा अभी इनको। फिलहाल आपको तस्वीरें एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं किस तरह से संजय राउत की मुश्किलें बढ़ेंगी यहां पर, क्योंकि संजय राउत के ठिकानों पर ईडी की रेड, आज सुबह ही ईडी के अधिकारी जिस तरह से पहुंचे थे और ये उनका उन्हें लेकर यहां ईडी के अधिकारी यहां से निकल चुके हैं। पूरा जो सुरक्षा घेरा है उनके आसपास वो बनाया गया है, पुलिस यहां पर सुरक्षा में लेकर उनको ले जाया जा रहा है आगे, ताकि किसी भी तरीके की कोई ऐसी चूक यहां पर उनकी सुरक्षा में ना हो, सही तरीके से उन्हें हेडक्वार्टर तक ले जाया जा सके, और इसीलिए ये तमाम व्यवस्था यहां पर की गई है। समर्थकों को हटाने की कोशिश भले की गई हो, लेकिन पुलिस अधिकारी उसमें नाकाम रहे, और अब ईडी के अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है संजय राउत को। सुबह से ही लग रहा था कि संजय राउत हिरासत में लिए जा सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी संभव है, लेकिन फिलहाल उन्हें हिरासत में लेकर यहां से निकले हैं ईडी के अधिकारी। तो पत्रा चौल घोटाला मामले में लगातार आरोप ये लगाया जाता रहा संजय राउत की तरफ से और शिवसेना की तरफ से कि इस मामले को लेकर संजय राउत को फंसाया जा रहा है और ईडी के गलत इस्तेमाल से उन्हें डराया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने, दोनों तस्वीरों को आप जरा देखिए, कैसे भगवा गमछा लहराते हुए आज संजय राउत निकले। और जरा 23 फरवरी 2022 की तस्वीर भी आप देख लीजिए, जब नवाब मलिक यहां गिरफ्तार हुए थे तो वो भी हंसते मुस्कुराते विक्ट्री का साइन दिखाते हुए निकले थे। यही मैसेज देने की कोशिश उनकी भी रही होगी कि कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, चाहे गिरफ्तारी क्यों ना कर लीजिए, सलाखों के पीछे क्यों ना डाल दीजिए, हम परेशान होने वाले नहीं। 23 फरवरी 2022 की तस्वीरें नवाब मलिक को आप देख रहे हैं, और ये आज की ताजा तस्वीरें हैं जब भगवा गमछा पहन कर आए थे संजय राउत घर से बाहर निकले, और बड़े स्टाइलिश अंदाज में उन्होंने वो गमछा गले से निकाला, हवा में लहराया और समर्थकों के बीच कुछ इस तरीके से निकले।
तो संजय राउत को हिरासत में लेने के बाद आज जब ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा था तब वो भगवा गमछा लहराते नजर आए। और इसी तरह प्रवर्तन निदेशालय ने जब 23 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के तत्कालीन मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया तब भी वो विक्ट्री साइन बनाते हुए ईडी दफ्तर गए थे। नवाब मलिक ने ये शायरी भी पढ़ी थी कि आज तुम्हारा वक्त है, कभी हमारा वक्त भी आएगा। ये हैं शर्मा जी जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।